पता ही नहीं बेबे चले गए थे। बहन की तबीयत खराब हो रही है गाइस। वो मम्मी नहीं है, इतनी दूर आप पढ़ के आए हैं तो हम क्या लेने आए हैं? अभी मक्खियां नहीं धोया तुमने, मेरे बगैर चले जाए ना आज डैडी, मेरे बगैर चले जाए। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का झटपट से पता चल जाए। तो भाई अपडेट ये है कि पापा हम लोगों को लेके निकल रहे हैं, ये नहीं पता कि आऊँ जाएंगे कि ताऊँ, मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये नहीं पता कि हम लोग को लाहौर लेके जा रहे हैं या फिर पता नहीं कहाँ। पापा की चलाकी नहीं समझ रही हुई। हाँ जी, क्या समझ गई हूँ क्या? पापा जी प्रैंक किया था ना, तो हाँ मैंने कहा था प्रैंक में कि 5 दिन मुझे खाना खुद बना के खिलाएंगे, आए 5 दिन ने सानू बाहर ले। हमने तो कहा था कि 5 दिन मुझे और मम्मा को आपने खाना बना, इसीलिए आपने किया है। मेरे अब्बू हैं, भाई जी ने बस घूमते रहेंगे। ये सही है, कभी इधर कभी उधर देखते हैं। पैकिंग शैकिंग हो चुकी है, चेकआउट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग निकल रहे हैं। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे हम लोग रुके खाना शाना खाने और देखते हैं कि क्या करना है। नाश्ता मैं थोड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, और बता भी देते हैं कि जा कर है, पहाड़ों से समझ तो हमें आ रही है, सही जगह लेके जा रहा हूँ ना। बेस्ट। तो भाई अब हम लोग चले हैं किसी कोयटा होटल में खाना खाने। तो मेरे अप्पा जो है आपको पराठे मिलते हैं बड़े पसंद। कौन से वाले? कोयटा पराठा है, पराठा रोल मिल जाए तो क्या ही बात। ऑमलेट वाला बनवाओ, मैं ना ऑमलेट और अंडा अभी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। चले भाई यहाँ पे क्या लगा के बैठे, देखते हैं किस तरह से बनाते हैं नाश्ता। जी बैठे हैं आप इधर, तो भाई देखते हैं कि नाश्ते के मेन्यू में क्या है। भाई क्या क्या है आज नाश्ते में, क्या क्या बनाया? चिकन बनाया, ये क्या है? मुर्ग चना। मुर्ग चना है। और ये क्या? ये आ गया चिकन। ये चिकन है। और ये दाल, दाल चने की दाल, दाल माश। ये क्या? चिकन बिरयानी है। ठीक है, पराठा बनाना है, ऑमलेट बनाना है और ये मुर्ग चने बनाने। मामा मुर्ग चने और माश की दाल। मुर्ग चने माश की दाल। इनके मुर्ग चने लाहौर वाले मुर्ग चने नहीं है, इनके मुर्ग चने घर वाले मुर्ग चने हैं जो तुम्हारी माँ बनाती है, उस टाइप के मजे की। पराठा, ऑमलेट और मुर्ग चने। अगर इनके पास कुलचा हुआ तो मुझे। कुलचा आप इधर नहीं है, वो है मुर्ग चने। तो भाई अभी खाना नहीं आया, सिर्फ हमारी जो है ना स्पेशल वाली चाय आ गई। घर वाले, घर वाली वाइफ दे रहे हैं। ये आ गए हैं जी हमारे चिकन चने, ऑमलेट और पराठा। दो पराठे थे, और चाहिए होंगे तो और मंगवा लेंगे। ये कुछ और ही ऐसे नहीं लग रहा कि बाजारी वाले पराठे हैं, बाजार बैठ के खाते हैं बाजारी पराठे। आप भी को अपने डम्प्स लेने की पड़ी है। ठीक है, अमेरिका में खुद बनाते थे। हाँ ये वाले पराठे पापा अमेरिका में खुद बनाते रहे। चित्राल के बोर्ड लगे हुए, अब मुझे नहीं पता कि अब्बा चित्राल लेके जा रहे हैं, क्योंकि तो क्या पता हम लोग वापस चित्राल जा रहे हो। वाओ, मेरी वैसे मैं कभी नहीं गई हूँ, इट्स अ ड्रीम प्लेस फॉर मी, तो हम जा सकते हैं वहाँ पे भी। तो भाई अब हम लोग, मुझे नहीं पता मैं पिंक जूती क्यों घर से पहन के आई। निकलते हैं जहाँ पे भी लाइफ लेके जाते हैं, जहाँ पे भी हमारे अब्बा जान लेके जाते हैं हमें। लेट्स गो। तो भाई पापा यहाँ पे कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करने लगे हैं, अब देखते हैं कि क्या। पापा जी प्लीज बता दें, मौसम इतना प्यारा है, बताएं लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कौन सा इलाका, इलाका तो बता दें। हम जा रहे हैं वादी स्वात। Yes. हम लोग पापा जी, आप हमें बचपन में लेके गए थे, मैं पुरानी पिक्चर्स अटैच करूंगी। हम एक दफा सवात गए थे, बड़ा मजा आया था हमें। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है। सवात गए थे, कलाम गए थे, कुमराट गए थे, कुमराट वैली गए थे, सवात गए थे, वो वाली उधर जा रहे हैं। आप भी, वो तुम्हारा अच्छी खासी औरत थी तुम तब। बात तो सही है, बचपन में गए थे, मतलब वो हमारा खासी औरत थी तब। ये यार मतलब मैं अनमैरिड, मेरे बात कर रही थी पापा जी। आप वाकई बचपन में गए, ये भी है सही है। तो भाई पापा के इतना बताने के बाद हमें अब पता चला कि हम लोग जा रहे हैं वैली ऑफ सवात एंड कलाम। ठीक है, और अभी आगे फिर क्या होता है? स्वाद है, उसके अंदर वैली है, वादी है, स्वाद है, उसके जो वैली है, कलाम है, मालक जब वो वैली है। पाक स्टडीज में तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे, फिर इतना नहीं मुझे पता कि क्या हुआ है। गलत नहीं, बल्कि पाक स्टडीज में मैं फेल हो गई थी, याद आया। कंडीशनली प्रमोटेड थी, कंडीशनली। हाँ, और कह रहे हैं कि जिस दिन पाक स्टडी पड़ी थी वो अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कितने चला के पापा जी, मैं तो नहीं ना कभी फेल हुई, मैं भी कर। मैथ्स और फिजिक्स में तो नहीं ना कभी हुई फेल। यस, सब लोग एक्साइटेड हैं। यस, और सब मिलके कहते हैं वी आर गोइंग टू स्वात। पता ही नहीं बेबे नु चले गए थे। यस स्वात, चले जहाँ भी जा रहे हैं सारी से आपको साथ साथ दिखाते हैं। लेट्स गो। गए
गाइस यहाँ के नजारे देख के लग रहा है हम लोगों को आहा टमाटर बड़ा मजेदार, इतना अच्छा इतना टमाटर बड़ा मजेदार। पापा जी पापा देखे इतना मजे का मौसम है बाहर और देखो बादल पे पहाड़ पे पौधे पौधे और डालपुर डालपुर दरख्त पे बादल पे पहाड़ और इस तरह की टूटी फूटी उर्दू जाने के लिए इतना शराब से करें। कूल ग्रुप हम लोग कूल ग्रुप है। हम लोग इतनी देर से हमें उधर गर्मी में बैठे हुए थे, वही तो आ जाना चाहिए था। पापा ने नहीं बता रहे थे हमें कि किधर जाना आज मैंने अपने काम के हिसाब से सारी चीजें देख ली थी। पापा ने तुम्हें कब से बताया हुआ था? कोई नहीं बताया। पापा ने तुम्हें बताया हुआ था, तुम बात ही नहीं सुनती हो यार। बस ये कहा था हम ठंडे इलाके में जा रहे हैं दादी, तुम ठंडा इलाका कराची जैसी बोली तुम्हारे। और गाइस इतना प्यारा व्यू है ना, आई कांट इवन टेल यू गाइस। वाओ बदला थे आ गया तो सूरज चले रह गए। मैंने खेल लिया। वाओ ओके गाइस, सो अब पापा कह रहे हैं कि मैं काफी ज्यादा ड्राइविंग हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग स्टे करते हैं। ये मैडम अभी तक सो रही हो आप ही? पूरा ट्रिप तुम सोती आई सोती है, मुझे देखो मैं थोड़ा सा भी नहीं सोई। बकवास ना करो, मैंने खुद अपने व्लॉग में थोड़ा शूट किया। चलिए सो रही थी मैं तब। चल आ जाओ बाहर, वो सिट्टा खाते हैं। हां सिट्टा खाते, मेरा ले आओ मेरा नहीं। आ जाओ ना बाहर, आ जाओ चलते हैं यार। इधर जाके गिरड़े पहाड़ ही देखे, गिरड़े पहाड़। वाओ कितना प्यारा मौसम है। तो भाई अब हम लोग आए हैं, मेरी अम्मा यहाँ पे सिट्टे की वो करा रही है, हम लोग सिट्टा खाते हैं। अम्मा नरम चाहिए, पर ये कैसे फीके से सिट्टे हैं, ये इसका कोई कलर ही नहीं है। भाई सारे खत्म हो गए हैं, वहाँ से तोड़ के भून दो, ये लगे तो हुए हैं। वो लगे गए हैं पीछे, ये पीछे भुट्टे नहीं लगे भाई। अल्लाह मेरी आंखें गई। तो उसने स्पेशल वो बनाया हुआ है, लेकिन जा सारा वहाँ से रहा है। वो मेरी तरफ जुगाड़ू जुगाड़ू प्रोग्राम। हाँ वो चाह रहा धुआं के साथ तुम्हें उड़ा के ले जाए। मैं ना ले जाओ उड़ा, हम उधर ही जा रहे हैं। मामा आप जितने मिले हैं उतने ही खा लेते हैं, खैर है। ये भून तो रहा है कि हम वैसे ही खड़े हैं। नहीं मेरी बहन को ना सिट्टे के साथ पिक्चर लेने की पड़ गई, कलर देखो उसका फीका होगा बड़ा चिट्टा। कोई बात नहीं तुम पकड़ो ना। नहीं ये ऐसे वाइट कब होता है, येलो होता है। मम्मा सिट्टा ले लिया, पैसे दिए, जल्दी दे जल्दी। अब पीछे वो छुप के खड़े हुए हैं, आ रहे आ रहे हैं। ओके गाइस कितने क्यूट क्यूट है ये लोग, ये पहाड़ी बकरियां छोटी छोटी क्यूट है ना इतनी। और ये वाला वो दरिया है, यहाँ पे लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे और क्या हुआ था जब सैलाब आया था तो यहाँ पे होटल गिरा था। ये वो वाला होटल है। एक दफा हम यहाँ पे आए थे, हम लोग सिर्फ ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आए थे, तो मैंने होटल देखा तो बहुत प्यारा था, बट अब ये आई थिंक ये उसकी हालत रह गई। ओके गाइस तो रात के इस पहर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। इतने खतरनाक रास्ते थे ना, मुझे ऐसे रहा था आइंदा के बाद नहीं आना मैंने कहीं, इतने खतरनाक रास्ते। मुझे ना हो रहा है पापा ने कहा था ठंडे कपड़े रख लो, मैंने इतनी जैकेटें इतनी हाई नेक्स, इधर तो कोई ठंड नहीं है यार, कोई ठंड नहीं है सच में। इसे ओए मैंने फ्रॉक्स भी रखी हुई, अम्मा वो काम आएंगी, अब भी तुम भी वो पहन सकती हो। कोई काम नहीं आ रहा, कोई जैकेट कोई कंबल कोई खेस कुछ काम नहीं आ रहा। ओके गाइस सो अभी हम लोग ना रूम चेक करने आए हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को पहले दिखा देते हैं, जो आपको सूटेबल लगता है हम आपको वो देंगे। पहले तो हमारे पास है ये, अच्छा इसमें एक अलग रूम भी है, वो अलग रूम मेरा होगा, ये हुआ तो अभी हम सिर्फ विजिट कर रहे हैं। ठीक है ओके ये भी एक रूम है, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इनके वॉशरूम्स कैसे हैं, लेट मी चेक। नाइस अच्छा ये भी अच्छा, दूसरा वाला भी विजिट कर लेते हैं। ये फैमिली सूट है और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा वाला देखने। यार ये कितनी प्यारी तरह की बालकनी है, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, खाना शाना खाते हैं, फिर सारी चीज़ें आपको फ्री होकर आराम से दिखाऊं। तो भाई अभी हम लोगों ने इनके जो रूम्स थे वो भी विजिट किए, लेकिन हमें जो ज़्यादा फिजिबल लग रहा है वो यहाँ इनके जो फैमिली सूट है वो लग रहा है। अभी इन्होंने इनका ना वो था व्यू था जो कि वहाँ पर भी था, इधर भी मैंने दिखाना था आपको किधर व्यू है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से बाहर बैठो, इसको खोलो खोलो, इसको खोले कैसे, हम लोग इधर ही रुक रहे हैं। हाँ ये हमारा स्टेइंग प्लेस है, यहीं पे रुक रहे हैं, यहाँ मामा पापा रुक जाएंगे और वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। तो भाई हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि एक ये वाला हम लोग रूम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ
इस व्यू की वजह से यहाँ पे बैठ के हम थोड़ी सी चाय शाय पियेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे। वहाँ पे इस तरह का व्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे हम लोग मस्ती करने आ जाएंगे और जब सोना होगा तो सारे बैठ के उधर फैमिली टाइम एंजॉय कर लेंगे। तो दोनों चीजें हम लोगों ने फाइनल कर लिया। बाबा आ रहे हैं सामान के लिए, अभी हमें फूड ऑर्डर करना है। शदीद वाली भूख लगी है, हम प्यासे आए हैं वहाँ से और सिर्फ वो सिट्टा खाया था हम लोगों ने। तो भाई ये इनका यहाँ पे मेन्यू है, ठीक है। कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ देसी सा अच्छा सा कुछ ऑर्डर करना प्लीज। हाँ हाँ, आज से पहले दोनों के ऑर्डर्स मैं देती आई हूँ, मेन्यू मैं डिसाइड करती आई हूँ। अभी जो पापा वाले थोड़ा मिलकर डिसाइड करते हैं। देसी खाएंगे, यहाँ का देसी ज्यादा अच्छा होता है। वेट अ मिनट, मेरी मम्मी किधर गई है? मेरी मम्मी किधर गई है? मम्मी वो मम्मी नहीं है, मम्मी वॉशरूम में होगी, फ्रेश हो रही होगी। तो भाई हम लोगों का जो सामान है वो आ चुका है इस टाइम। हम लोगों को वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, ले आई अंदर ले। ये बहन मेरी इधर बैठी हुई है। और आप ही ऑर्डर क्या करना है खाने में? सूप पीना है तुमने? हम हुआ तो तुम्हें सूप पीना है। वो अपना सामान रख ले, तुम तब तक डिसाइड कर लो क्या खाना है। इतने बैग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ओके गाइस, हम लोग नीचे खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पे शॉल्स पे लड़ाई हो रही है, एक आप ही ने पहन लिया, एक मैंने पहन लिया। हालांकि दोनों शॉल्स मम्मा ने रखी हैं और कह रही है ऐसे ना कर यार, एक यहाँ पे उन्होंने एक इस्त्री भी दी हुई, अगर आपको अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं खुद ही तो आप कर सकते हैं। मामा इतनी कोई ठंड लग तो नहीं रही है हमें जान के? देखा देखी ना मामा, किसी और का रूम है, अंदर जा रही है। ये लिफ्ट है, नीचे जा रहे हैं नीचे। उन्होंने गर्मा गर्म खाना तैयार करा दिया, मेरे वाले शूज पहन के खाना। मैं वेलकम करने दोनों ऐसे क्यूट लग रहे हैं दोनों बैठ के। मम्मा कहती मुझे लगा वेलकम करने बैठे हैं। ओके गाइस, सो सबसे पहले हमारे पास सैलेड और रायता आया और मामा पापा भी यही खा रहे हैं और हमारे बुजुर्ग साहब का जो है बस शायद गर्म सूप आया, ठीक है, विदाउट नमक मिर्च। वो अभी ये खा रही है, अभी सॉसेस आते हैं साथ। सॉसेस ये पड़े हैं मेरा, पता। अच्छा अच्छा ठीक है, खाली और ये हमारी चिकन कढ़ाई है जो कि हम थोड़ी देर में खाते हैं। ओके गाइस, अब इस पलटून ने खाना शाना खा लिया, अब हम लोग किधर जा रहे हैं? बाहर वॉक करने, थोड़ी ठंड एक्सप्लोर करने। देखे कि कितनी दूर आप पड़ के आए हैं, तो हम क्या लेने आए हैं, ठीक है? ठीक है। ओके गाइस, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और मामा पापा जो है ना वो पूरे उधर रूम में जो पूरा सीट बुक किया हुआ था मामा पापा उसमें अकेले। हम लोगों को ऐसे ही थोड़े से हम लोगों ने मस्ती करनी थी, तो हमने कहा दोनों इधर आ जाते हैं। और मामा पापा जो है वो वहाँ पे जाके आराम से सो चुके हैं और अब हम लोग भी सोते हैं, रेस्ट करते हैं और देखते हैं कल क्या न्यू एडवेंचर आता है। हमारी कमरों में इतनी दर्दें हो रही हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, सफर कर करके और ऊपर से जो ऊपर पहाड़ियाँ चढ़ी हैं, ऐसे 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 उस फल्ला हर चीज कमर में इतनी दर्द हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं सो जाऊं। दिल चाह नहीं रहा, बाहर 4 बजने वाले हैं, आपने सोना ही है। 4 बज चुके हैं हीरा, 4 से ज्यादा बज चुके हैं आप, ठीक है। ओ माय गॉड, मेरी बहन की तबीयत खराब हो रही है जी। अच्छा जी ठीक है, खैर अब हम सोते हैं, लाइट शाइट ऑफ करते हैं। वैसे जब आप कहीं ट्रिप पे आते हो तो आपका जो प्रोग्राम है वो तो बढ़ जाता है, स्किन केयर भी और हेल्थ भी बहुत ज्यादा हो जाती है। कि मैं मुंह भी ना धोऊं, मैंने मुंह भी नहीं धोया, मेरा दिल चाह रहा है मैं ऐसे ही सो जाऊं। वो तो भी मुझे लग रहा था, पता नहीं यार प्यारी क्यों नहीं लग रही गाइस। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं भी अपना मिरर में शक्ल देख के खुद से ही डर गई थी। तो खैर छोड़ चाहिए था कि अगर आपको नहीं पता तो जाके सिस्टर आप ही मक्खियां, मुंह नहीं धोया इसीलिए आ रही है खाना खाने आ रही है यहाँ से जो तुमने खाया लगा रह गया। पता नहीं क्या प्लान है यहाँ पे थर्ड पार्टी के अलावा। वैसे यहाँ पे ना कोई ऐसा स्पॉट नहीं है, बस पहाड़ है और वी वांट सम एक्टिविटी ना, तो देखते हैं क्या हो सकता है। क्या अबू धाबी की एक्टिविटियों के बाद लग रहा है? हाँ यार, वहाँ घूम घूम के ऐसे लग रहा है यार इधर भी हमें कोई एक्टिविटी चाहिए। इतना ठंडा मौसम भी नहीं, नॉर्मल है, ठीक है ना। क्या गर्मी है? नहीं इतनी भी गर्मी नहीं। अच्छा जी गर्मी और ये लेके सो रही है। मैं तुमसे छुपने की, मैं तो ड्राइवर हूं ना, मुझसे डर रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके गाइस, सो अब मैं जो हूँ उठ चुकी हूँ, जो मेरी बहन है वो इधर तो घूम रही है और मैं आपको रिव्यू दिखा दूँ यहाँ से रूम का, विच इज समथिंग लाइक दिस। वाह, इतनी मज़े की हवा चल रही है, इतना मज़े का व्यू है, इतना फ्रेश आसमान है, फ्रेश कहेंगे या मज़े के कलर्स हैं जो भी कहेंगे। और इधर मेरी बहन, तुम क्या किस सोग में हो, किस दुख में हो? मुझे ऐसा लग रहा है 3-4 दिन से हम लोग सिर्फ सफरिंग में ही है, सफर सफर करके इतना थक गए कि अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ घूमें फिरें, रिलैक्स करें। मेरी टांगे दर्द हो रही है। ड्यूटी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पर मुंह पे शक्ल पे आता है, गर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं हुआ। इंसान को वैसे कुछ नहीं होता, सर पे दर्द होता है,
कहानी और सब आ गया इधर के मेरे साथ ये हो रहा है। तुम्हारी सोच है कि मेरे पाँव अभी मेरी सोच है, मेरी सोच बहुत दूर से सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना सोच रही हूँ, तो कितनी दर्द हो रही होगी, है कि नहीं है। देखो मेरे पाँव सूजे, पाँव देखे इसके गाइस इतनी प्यारी लग रही है कि नहीं है। चलते हैं नीचे खाना शाना खाते हैं, आप भी बाद में अपने ये दुखड़े रो लेना नीचे, मामा पापा ने ना तुम्हारी गर्दन उतार देनी अगर हमें जल्दी खाना ना। चलो निकलो। ओए मेरा वाला किधर है? तुम कमरे की चाबी तुम ले गई थी, समझ रहे हो? आप ही मेरी वाली शॉल बोली हो। ओके गाइस सही, हमने अपना ब्रेकफास्ट रख लिया, मैडम अपना फोन में लगी हुई है, पापा को भी जूस चाहिए। सेम ऐसा आपने पिया पहले ये वाला? आपने लेना कुछ मम्मी? मैं खा के हर चीज ये चाय वगैरह कॉफी। ओके गाइस तो नाश्ता वैसा हम लोगों ने कर लिया था, अब हम लोगों का जो प्लान है वो बाहर घूमने फिरने का, और मेरा इस टाइम बिल्कुल दिल नहीं कर रहा रेडी होने का, और मेरा दिल कर रहा है जितना हम सफरिंग करके आए ना, सफरिंग करके इतने पहाड़ों में हम हिलते जुलते आए हैं, तो मेरा दिल कर रहा है बस सो जाऊं ठीक है, और पापा मुझे घुरी करा रहे हैं एनु मैं तसना है कि नहीं। तुमने अन्नी डाली थी, बोल रहे हैं बोल रहे, तो आए तो एंटरटेनमेंट एंजॉय करो चले। वैसे ना मेरे माइंड में एक आइडिया है ठीक है, उसको हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस सो बात यह है कि मैंने मामा पापा को बोलना है कि मेरी ना तबीयत नहीं ठीक है, मेरे से कहीं नहीं जाना, हालांकि जाऊंगी मजाक करी हूँ, मैं थोड़ा उनका रिएक्शन देखती हूँ कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इतना ट्रैवल किया है, ऐसे लग रहा है 2-3 दिन से मैं सफरिंग में हूँ और सफ़र ही कर रही हूँ, और थोड़ा सा सुकून भी ले रहा है, उनको घूमने फिरने की पड़ी है, तो थोड़ा सा मैं कहती हूँ तबीयत नहीं खराब, मैंने भी रेडी रूडी कोई नहीं होना, देखी जाएगी आकर वो भी बोलेंगे, सो लेट्स सी। तो भाई मैं फिर से लेटने लगी हूँ इधर आराम से, बैग शैग जो है वो उतार देते हैं और इन्हें कहते हैं कि भाई तुसी जाओ मैं नहीं जाना। 15 minutes later. मैं कोई यहाँ पर ना 15 मिनट से बैठी हुई हूँ और कोई भी नहीं आ रहा है, सिर्फ मुझसे ये पूछने के भाई तूने नहीं जाना है, हैरत नहीं है वैसे, नहीं आया तो मैं वाकई नहीं जाऊँगी। तो भाई पापा आ गए हैं और मैं सबको ये बता रही हूँ पापा जी मेरी ना तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं नहीं जा रही, आप लोग हम लोग घूम फिर आए ना, मैं नहीं जा रही, हमें डर लगता है, आपको डर लगता है, मैं क्या शक्तिमान हूँ जो आपको बचाऊंगी आके? नहीं नहीं आप हैं वो बस कुछ मान है। अच्छा जी मैं मान हूँ, अच्छा शक्तिमान नहीं पर कोई मान हूँ। चलो आज रहने दे ना, मेरे बगैर चले जाए पापा जी, मेरे बगैर चले जाए ना आज, मेरे डैडी मेरे बगैर चले जाए। मैं वैसे एक बात बताऊँ आपको, मैं मजाक कर रही थी, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कौन आता है मुझसे पूछने का, क्योंकि मैं नहीं जाती तो पुकी पुकी आ रही हूँ आ रही हूँ। तो भैया मेरा जो मिशन था ये प्रॉपर तरीके से फेल हो चुका है, मैंने कहा था कि ऐसे ही छुट्टी लग जाएगी मेरी तो मैं छुट्टी लगा लूंगी, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, तो चलते हैं अभी रेडी होते हैं और इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं क्या है, और मेरे माइंड में कुछ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको भी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा, सरप्राइज है, तो आपने उसके लिए अगला ब्लॉग लाजमी देखना है, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।